इस शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड। ईद में महज कुछ दिन ही शेष बचे हैं। मंगलवार को माहे रमजान का 26वां दिन है, जिसको लेकर ईद की खरीदारी जिले में जोर पकड़ रही है। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण ईद का त्योहार फीका रहा था, लेकिन इस बार मुस्लिम समुदाय ईद को लेकर काफी उत्साहित है, लेकिन महंगाई उनके उत्साह को कुछ कम कर दिया है। वही शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में सेवइयों की दुकान सज चुकी है। सेवइयों खरीदारी के लिए रोजेदारों की भीड़ भी दुकानों पर उमड़ी रही। कोई माकूती सेवई खरीद रहे थे तो कोई लच्छा सेवई। बाजार में सेवइयों की मनपसंद खरीदारी करने के लिए रोजेदार अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। वही रोजेदारों ने बताया कि घर में माकूती सेवई को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने माकूती सेवई की खरीदारी की है। पिछले वर्षों में कोरोना के कारण त्योहार फीका रहा है, इस बार महंगाई के लोगों के लिए उत्साह कम कर दिया है। वही दुकानदारों ने बताया कि बाजार में हल्दी नाम की रेडीमेड सेवैया भी उपलब्ध है। इस बार कोरोना का असर नहीं है, इसलिए पिछले साल की तुलना में बिक्री अच्छी हो रही है। रोजाना लाखों की सेवैया बिक रही है। मालीघाट व ब्रह्मपुरा में निर्मित सेवैयों के अलावा बाजार में बनारसी सेवैयों को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। कोरोना 2 साल से कोरोना था, पब्लिक मतलब उठ नहीं पाई, पब्लिक का कमर टूटा हुआ है, महंगाई इतना है। देख लीजिए, जो लच्छा 100 रुपये में बिकता था वो आज उसका दाम 180 रुपया है। महंगाई तो है ही कहीं ना कहीं। और कस्टमर तो 2 साल बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो पब्लिक तो एकदम खुश है, और रोज़ा रमजान में जो लोग रोज़ा रखते हैं वो लोग तो ईद का खरीदारी करेंगे ही, चाहे वो जितना भी महंगा। पब्लिक बहुत खुश है इस साल एकदम अच्छे से। ईद में अभी मोटा मोटी अभी तो हफ्ता दिन ही बचे हैं मात्र, तैयारी तो पूरी है। बाजार की रौनक दिख रही है और पक्कीसराय चौक का रौनक तो आपको रात को 4 बजे भोर तक दिखेगा। खरीदारी चल रहा है, मगर मार्केट का भाव इतना है कि आदमी सोच रहा है, फिर भी पड़ा है थोड़ा बहुत आदमी खरीदेगा ही। जो लच्छा पिछले साल 110 रुपये का था, अभी 180-200 रुपये का लच्छा सब हो गया है। अच्छा भाई, तो रिफाइन का दाम काफ़ी बढ़ने से महंगाई बढ़ गया। तैयारी चल रही है, तैयारी पूरी चल रही है, पर्व है तो आदमी को तो उसी में सब एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले जो रिफाइन 1200 का हम लोगों को मिलता था, इस बार सीधा डबल हो गया 2600 रुपये का, इसके लेके लच्छा का दाम काफ़ी बढ़ चुका है। तो हमारे यहाँ 2-3 क्वालिटी का लच्छा है, रिफाइन का है जो 160 रुपये चल रहा है, जो पहले 120 रुपये किलो चलता था अभी 160 रुपये चल रहा है। और हाई क्वालिटी में घी वाला है जो पहले 420 का था अभी 480 का चल रहा है। तो इसके लिए हम सरकार से यही करेंगे कि वो रिफाइन का थोड़ा ये करे, काफ़ी चीज़ का बढ़ावट आ चुका है, इसके लिए सामने वाले कस्टमर को भी परेशानी हो रहा है और बेचने वाले को भी परेशानी हो रहा है। वो रिफाइनिंग वाला का ज़्यादा मांग हो रही है। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753।